इस वीडियो में मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूँगा कि कंटेंट क्यों किंग कहलाया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में हमने बारहाँ पहले भी बात की है और आपको अंदाज़ा अब तक हो जाना चाहिए कि क्यों बार, बार बार बात हो रही है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज के इसके बग़ैर आपकी मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी हमने जितने भी डिजिटल में काम कर रहे हैं चाहे आपने ब्लॉग लिखना है चाहे आपने वेबसाइट बनानी है चाहे आपने सोशल मीडिया पर जाना है या आपने ऐड चलाना है या ई करनी है जो भी आप काम कर रहे हैं वो बगैर कंटेंट के नहीं होगा लेकिन मुझे ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करें हमारी उस तरह की या तो तरबियत नहीं होती या एक्सपीरियंस नहीं होता या प्रैक्टिस नहीं होती तो उस तरह से हम फिर कॉन्टेंट नहीं लिख पाते और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि बिज़नेस हर्ट होना शुरू हो जाता है और कॉन्टेंट ना आने की वजह से हमारी मार्केटिंग जो है वो हर्ट होती है और रिजल्ट नहीं आते तो अक्सर लोग इस बात से अपसेट होकर फिर वो प्लेटफॉर्म्स को गलत कहते हैं या लेस से अगर किसी प्रोफेशनल को हायर किया है तो वह समझते हैं कि शायद इसको काम नहीं आता या काम असल में होता ही नहीं है तो मैं चाहता हूं कि मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको डिटेल में ये सिखा दूं कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है कौन से वाला लिखा जाता है ऑफ कोर्स मैं कंटेंट राइटिंग आपको नहीं सिखाऊंगा लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक आर्ट है और ये सब सीख सकते हैं अगर आपने कैरियर पे एज अ करियर इसको नहीं लेना यानी कि आपने राइटर नहीं बनना तो कोई मसला नहीं है आप एज़ अ बिज़नेस ओनर इसको समझें ताकि आप अपने राइटर से लिखवाने के काबिल हो जाएं कि ठीक है भाई मुझे आता तो नहीं है लेकिन ये ऐसे नहीं करना था या ये ऐसे चाहिए मुझे तो वो बात करने के आप काबिल तब हो जाएंगे जब आपको इतनी समझ आ जाएगी कि कंटेंट की डिटेल में किस किस तरह का कंटेंट हो सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक बिज़नेस एग्ज़ैम्पल के साथ आपको बताऊँ कि से एक ये बिज़नेस है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उस बिज़नेस को कोटेंट कैसे क्रिएट होता है और वो बाद में इंपेक्ट कैसे डालता है तो ये सब चीज़ें आपको मैं अगले कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा आपको मैं दोबारा रिवाइज़ करवा दूँ कि कॉन्टेंट जो है वो चार तरह के होते हैं जिसमें टेक्स्ट होता है इमेज़ होते हैं वीडियोज़ होते हैं और ऑडियोज़ होते हैं अब हमने इन चारों फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि हमारे लोगों को पसंद आ जाए यानी कि अगर हम चाहें तो हम आर्टिकल्स लिख लें अगर हम चाहें तो हम वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर लें हम चाहें तो हम उसको वीडियोस बना लें इमेजेस बना लें जिफ इमेजेस बना लें उसको हम डिफरेंट तरह से ऑडियो में कन्वर्ट करके हम चलते फिरते लोगों को जो रेडियो सुनना चाहते हैं या पॉडकास्टिंग सुनना चाहते हैं हम उसको कन्वर्ट करके उनको पॉडकास्ट सुना दें तो ये सब चीज़ें किस तरह से चलेंगी ये जो स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट था कॉन्टेंट उस स्ट्रैटजी को अब हम डीप डाइव करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इसमें क्या डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और आपने कैसे लेके चलना है तो अगली कुछ वीडियोस में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा रिटर्न टेक्स्ट क्या होता है वर्बल टेक्स्ट क्या होता है यानी कि वीडियो टेक्स्ट क्या होता है उसमें आप बोल के जो कर सकते हैं मतलब जो लिखा है उसी को बोल भी सकते हैं फिर उसके बाद आप उसी को वीडियो में कन्वर्ट करवा लें उसी को आप ऑडियो में कन्वर्ट करवा लें उसी के इमेज़ बनवा लें आप उसकी वन सिंगल टिप वन एम एच या एक आप पूरा इन्फोग्राफिक आपने बनाना है तो डिफरेंट एंगल से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ ताकि आपको एक्सपोजर मिल जाए कि हाँ ठीक है ये इस तरह के कॉन्टेंट्स होते हैं मेरे बिजनेस के लिए ये रेलीवेंट है और सोचना आपने है कि आपको क्या चाहिए लेकिन आप अपने मार्केटिंग टीम को या अपने क्लाइंट को ये समझाने के काबिल हो जाएंगे कि भाई ये मुझे चाहिए या ये हमें चाहिए ये हमने करना है और हम इस तरह से इसको अचीव करेंगे जब आप ये कर लेंगे तो आपकी बाकी मार्केटिंग जो है ना वो आसान हो जाएगी क्योंकि अगेन अगर कॉन्टेंट वाला पार्ट मिस हो गया तो वह आप जो कॉन्टेंट किंग वाला है उस उस गेम को मिस कर देंगे बिकॉज के वाकई ही कॉन्टेंट के बगैर नहीं कुछ होता और इसीलिए इसको कॉन्टेंट किंग कहा जाता है और यही जो चीज़ है आगे चल के मतलब इसी को हम कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं तो अगर आप अगर इंटरनेट पे इसको पढ़ना भी शुरू करें अगर आपको कहीं मार्केटिंग की मज़ीद भी लर्निंग होना शुरू हो तो कंटेंट मार्केटिंग का जिक्र आपको बार बार आएगा तो वो अब हम आपको क्लरिफाई करेंगे किस तरह से कॉन्टेंट क्रिएट होता है किस तरह से यूटिलाइज़ होता है और कैसे आप अपने बिजनेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं